और केंद्र सरकार हर एक पर, चाहे वो व्यापारी हो, डॉक्टर हो, उद्योगपति हो, शिक्षक हो, सरकारी कर्मचारी हो, स्टूडेंट हो, अधिकारी हो, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, दुकानदार हो, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों नहीं हो, सभी पर अपना एक शिकंजा कसना चाहती है और सभी को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। यही हर बिल में, हर कानून में अपने तरीके से उसे बदला जा रहा है या संशोधित किया जा रहा है, ताकि देश के ऊपर उसे जबरदस्ती थोपने का कार्य सरकार कर रही है, और ये विधेयक भी उसी का एक उदाहरण है। मैं कुछ पंक्तियां सरकार पर कहना चाहूँगा। नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार पर, अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूँ। हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को हम अगर मोटे तौर पर समझने की कोशिश करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज, ये तीनों ही इंस्टीट्यूट जो हैं, इनके मैनेजमेंट, इनके संबंधित काउंसिल्स जो हैं वो संभालते हैं। और इसी प्रकार से अगर किसी तरह का मिसकंडक्ट अगर होता है तो उसको रोकने के लिए एक डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है, और तीनों काउंसिल्स में समन्वय स्थापित करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है। मैं समझता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज से संबंधित व्यवस्था को स्वायत्त रूप से मजबूत बनाने के लिए ज़रूरत है, ना कि इनके अनुशासन तंत्र को सुदृढ़ करने के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और स्वतंत्र कामकाज को बाहरी तौर से प्रभावित करने की। यह प्रस्तावित बिल, अगर इसकी विवेचना करते हैं तो मुख्य प्रमुख मुद्दों पर यह बिल अपने कथित उद्देश्यों से भटकता हुआ नजर आ रहा है। हम उन प्रमुख मुद्दों पर जो है बात करना चाहेंगे, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सदन का। हम बात करेंगे डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म की। यह बिल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड अनुशासन समिति, जो कि इसकी एक शाखा है, उसके इर्द गिर्द घूमता है, और प्रस्तावित बिल में एक स्वतंत्र डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म जो है उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। ऐसे में बिल में प्रस्तावित डिसिप्लिनरी बोर्ड एंड डिसिप्लिनरी कमेटीज़ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, जो संबंधित इंस्टीट्यूट के सदस्य नहीं होंगे, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा संबंधित काउंसिल्स द्वारा तैयार किए गए व्यक्तियों के एक पैनल में से नॉमिनेट किया जाएगा, और इसके अलावा डिसिप्लिनरी बोर्ड में एक भारी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा, और डिसिप्लिनरी कमिटी के अंदर दो भारी व्यक्तियों को केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। यह कदाचित इस बिल के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हो सकता है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि इंस्टीट्यूट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी आर्म्स के लिए विधेयक में डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स की संरचना को बदलने का प्रस्ताव है, ताकि अधिकाधिक बाहरी हस्तक्षेप और प्रतिनिधित्व को अनुमति मिल सके। सर, मेरा समय कितना सा, हाउ मच टाइम आई हैव? आपका टाइम है, बोले। हैव यू फिनिश्ड? हाउ मच टाइम हैव बीन अलॉटेड सर? आपका समाप्त हुआ क्या? आप और बोलना चाहेंगे? यस सर। आपका समय yes, है sir. आप बोल सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह कि वर्तमान स्ट्रक्चर के तहत तीनों इंस्टीट्यूट्स की डिसिप्लिनरी कमेटी के बाहरी सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से नॉमिनेट किया जाता है, और सीए अधिनियम के तहत केंद्र सरकार स्वतंत्र रूप से डिसिप्लिनरी बोर्ड में एक सदस्य को नॉमिनेट करती है। यह स्पष्ट नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कार्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे एड्रेस किया जाएगा। तीन सदस्यों के बोर्ड में सदस्यों के रूप में दो गैर सीए की नियुक्ति के प्रावधान का अप्रत्याशित प्रभाव हो सकता है, क्योंकि सीए के काम को मुख्य रूप से गैर सीए द्वारा आका जाएगा। गैर सीए सदस्यों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्कोप ऑफ ऑडिट, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिट जैसे सत्य और निष्पक्ष भौतिकता परीक्षण आदि का गहन ज्ञान नहीं होगा। ऐसे में बिल के अंतर्गत यह प्रस्तावित किया गया कि अनुशासन समिति के प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पद पर केंद्र सरकार द्वारा एक नॉन सीए व्यक्ति पदस्थापित किया जाएगा। इसके पीछे सरकार की क्या गोपनीय मंशा है, यह समझ से परे। अभी तक ICAI में प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स बनते आए हैं, एवं ICAI के का कहना है कि भविष्य में भी यही प्रक्रिया वो अपनाना चाहते हैं। वर्तमान में अनुशासन समिति में 5 सदस्य थे, जिसमें से 3 ICAI से थे तथा 2 सरकारी नामित थे। अब सरकार एक और नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति कर रही है, जिससे अनुशासन समिति में 2 सरकारी नामांकितों से बढ़कर के 3 सरकारी नामांकित व्यक्ति हो जाएंगे। प्रोफेशनल्स के आचरण को केवल प्रोफेशनल्स द्वारा ही आंका जाना चाहिए, क्योंकि वह पेशे की तकनीकी नीतियों और परिषद द्वारा निर्धारित आचार संहिता और उनकी व्यवहारिकता या जटिलताओं की समझ सकता है, जिसे बाहरी व्यक्ति को समझने में, मैं समझता हूं कि वो बाहरी व्यक्ति समझने में सक्षम नहीं होगा।
सीधे तौर पर जैसा पहले हमारे एक वक्ता ने भी कहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नॉन सीए होना ऐसा दुष्प्रभाव डाल सकता है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट को सर्जरी सिखाने के लिए किसी इंजीनियर को भेज दिया जाए, और इस तरह का उल्टा कार्य मौजूदा सरकार ही कर सकती है, मेरा यह कहना है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है तो यह बिल डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को मजबूत करके इंस्टीट्यूट्स के सदस्यों के खिलाफ मामलों में त्वरित निपटान को प्राप्त करना चाहता है, जो क्लियर नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें बदलाव होना चाहिए। बहुत क्लियर है कि इफ सेम पीपल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द पैरेलल मीटिंग्स विच विल डेफिनेटली हैम्पर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग केसेस। धन्यवाद। मैं सर बस कंक्लूड कर रहा हूं एक लाइन के साथ। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ में मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार कितनी भी मनमानी कर ले, कितना भी देश को अपने ढंग से चलाने की कोशिश कर ले, हर गलत निर्णय के अंदर हम लोग जो है विरोध करते रहेंगे और आपको झुकने पर मजबूर करेंगे। सिंगल लाइन सर, हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने नफरत को गले मिल मिलकर शर्मिंदा किया है। धन्यवाद। जय हिंद।